अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका हाउस बबलू लाहौरी। यार, आपको कभी किसी ब्यूटीफुल चीज़ से हेट हुई है? मुझे हुई है, जब से मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ वीवो के इस न्यूली लॉन्च्ड Y35 को। अब इसका डिज़ाइन देखा तो मैंने कहा यार बड़ा बेहतरीन डिज़ाइन है, और जब इंटरनली इसका मसाला चेक किया, स्पेक्स वगैरह देखे और प्राइस देखी तो लिटरली दिल ही टूटा। और आज की इस वीडियो में Y35 के साथ अपना एक्सपीरियंस, इसकी प्राइस, इसके फीचर्स के हिसाब से क्या ये फ़ोन वर्थ इट है, आपको लेना चाहिए या नहीं, सब बताऊंगा। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगती है तो एक लाइक तो आप कर ही सकते हो, और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि फ्यूचर वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो जल्दी से डब्बा खोलने की रस्म भी कर लेते हैं ताकि हमें कुछ बॉक्स कंटेंट का तो पता चले ना क्या क्या मिल रहा है। तो सबसे ऊपर फ़ोन मिल रहा है, उसके बाद एक सॉफ्ट सिलिकन केस है, फर्दर इन द बॉक्स 44 वाट का एक पावर ब्रिक है, उसके अलावा हैंड फ्री भी नज़र आ रही है, अच्छी बात है, और एक टाइप ए टू टाइप सी डेटा केबल है। वीवो Y35 की जो प्राइस है वो 58,000 अनाउंस हुई थी, अभी लॉन्च होते हो तो ये 60,000 रुपये पे पहुंच गया है। अभी कुछ दिनों में ये 64-65 पे चला जाए इसका भी कोई पता नहीं है, मतलब जिस तरह वीवो ने रिसेंट कुछ डेज में प्राइसेस बढ़ाई हैं कोई पता ही नहीं है, रात को प्राइस कुछ है सुबह उठ कुछ प्राइस हो जाती है। ठीक है, गवर्नमेंट के हैवी टैक्सेस हैं, डॉलर प्राइस हाइक है, बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से स्मार्टफोन इंडस्ट्री इस टाइम पे स्ट्रगलिंग स्टेज के ऊपर है, लेकिन यार हर चीज़ गवर्नमेंट पे डाल दो इस तरह तो पॉसिबल नहीं है ना। अब कुछ ब्रांड्स को भी देखना चाहिए कि ठीक है आप पैसे चार्ज कर रहे हो तो कम अज़ कम डिज़ाइन के अलावा अपने फ़ोन में कोई इस तरह के फीचर्स तो डालो कि यूज़र को हो कि चल मैंने पैसे थोड़े ज़्यादा स्पेंड किए हैं बट मुझे एटलीस्ट वो डिवाइस मिली है जिसमें एक्सपीरियंस अच्छा निकलेगा। तो वीवो जैसे क्वालिटी ब्रांड से मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि सिर्फ एक डिज़ाइन सेंट्रिक डिवाइसेज ही वो बनाई जाएं। और अभी कुछ वीडियोस आपको मिल जाएंगी जिनमें जी कहा जाएगा कि ऑफलाइन मार्केट का फ़ोन है जी, ऑफलाइन सेंट्रिक फ़ोन है, ब्ला ब्ला ब्ला, लेकिन यार ऑफलाइन मार्केट का जो यूज़र है उसका पैसा दरख्त पे उगता है, वो भी तो कीमती पैसा ना, मेहनत से ही कमाता है वो पैसा अपना। अब देखो इस फ़ोन का जो डिज़ाइन है ना, कहना पड़ेगा कि नो डाउट एक खूबसूरत फ़ोन है, वीवो अच्छे फ़ोन डिज़ाइन करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ऑफलाइन मार्केट में इसलिए तो बिकता रहता है डिज़ाइन के बेस पे। बिल्ड क्वालिटी प्लास्टिक है, बॉक्सी शेप के अंदर आता है फ़ोन, इन एंड फील ठीक है, ओके है फ़ोन की। ड्यू डॉप नॉच या फ्रंट साइड से अगर आप देखते हो ना तो सारे अरमान वहीं पे बह जाते हैं, मतलब पुराना डिज़ाइन और मोटे मोटे बेजल्स, मोटी चिन, इस तरह की चीज़ें, कोई पंच होल, कोई इस तरह का मजाक नहीं। वीवो की जो इनोवेशन है ना, मुझे लगता है डिज़ाइन पे आगे ख़त्म हो गई है। अब वीवो किस तरह की आदत क्यों पड़ी है कि डिज़ाइन बनाओ, फीचर बेशक रहने दो फ़ोन के अंदर, फ़ोन बिकता जाएगा मार्केट में। 2020 में जब इंडस्ट्री के हालात बहुत अच्छे थे, वीवो ने Y20 फ़ोन लॉन्च किया, फीचर्स कम लगाए उस हिसाब से, अदर ब्रांड बहुत अच्छे फीचर दे रहे थे, वीवो ने कम रखे फीचर, डिज़ाइन खूबसूरत बनाया, वो फ़ोन बेस्ट सेलिंग रहा वीवो का। तो फिर उसके बाद वीवो ने क्या करना था, उसने डिज़ाइन Y21 में भी डिज़ाइन दिया, फीचर्स को लगाया ही नहीं उस हिसाब से, तो फ़ोन वो भी बिकता रहा। तो अब फिर वीवो आपको क्यों फीचर दे, ऑफलाइन मार्केट में फ़ोन बिकते हैं, क्यों वीवो फीचर्स लगाए। अब वीवो ने Y21 ही फ़ोन लॉन्च किया था, बहुत रिकमेंड किया डिज़ाइन के साथ, उसमें फ़ीचर्स भी अच्छे थे, तो डिज़ाइन के साथ फीचर्स का कम्बिनेशन होना तो मज़ा आ जाता है यार एक डिवाइस का, नहीं तो यूज़र मोस्टली Y21 या Y20 या Y सीरीज़ का जितना यूज़र है मैंने रोते ही देखा है, फ़ोन लेके कह रहे होते हैं भाई गलती होगी, ये मैंने फ़ोन ले लिया, मुझे खूबसूरत लगा था, दुकान वाला कहता ये भाई ले ले तो इतना खूबसूरत फ़ोन है, बाद में चलाया तो कुछ भी नहीं चल रहा। मतलब वीवो जो है ना, मैंने देखा इनकी स्ट्रेटेजी ऑफलाइन मार्केट में, जो दुकानदार हैं जिनको मैं अंपायर कहता हूँ ऑफलाइन मार्केट के, उन अंपायर्स को साथ में ला के खेलता है, जो कस्टमर जाता है शॉप पे वो यूज़र को डिवाइस दिखाते हैं, भाई ये देख डिवाइस कितनी खूबसूरत है, वो खूबसूरती के चक्कर में मारा जाता है बंदा। अब डिस्प्ले देखो 60,000 रुपये इस फ़ोन की प्राइस है, और वीवो को ज़रूरत ही नहीं है इनोवेट करने की, भाई पीछे डिज़ाइन बना दिया, एमोलेड नहीं लगाना वीवो ने, IPS डिस्प्ले है 90 हर्ट्ज़ का लगा दिया, 6.58 इंचेस वाला, मोटे मोटे बेजल्स हैं, चिन का एरिया वो ही, मतलब डेढ़ मरले की चिन रख दी है नीचे, ज़रूरत ही नहीं है एमोलेड लगाने की, बिकेगा फ़ोन इस तरह ही, बिकते हैं वीवो के फ़ोन्स। अब देखो एमोलेड डिस्प्लेस ना होना 60,000 में ये एक्सेप्टेबल नहीं है, मल्टीमीडिया जो एक्सपीरियंस है लाइक कंटेंट कंज्यूम करते हुए डिस्प्ले के साथ, अब 60,000 रुपये में एमोलेड मिसिंग है, ओबियसली एमोलेड का जो विजुअल एक्सपीरियंस है वो बेटर होता है, यूज़र एक्सपेक्ट भी करता है कि अगर वो 60,000 रुपये की कैटेगरी में जा रहा है तो एटलीस्ट एमोलेड डिस्प्ले तो होना चाहिए, तो इसके डिस्प्ले पे तो 60,000 रुपये वाला फील नहीं आता, वही मोटे मोटे बेजल्स और ऊपर पुरानी ड्यू ड्रॉप नॉच, और दूसरा जो साथ में एक और चीज़ है बदमाशी, वो सिंगल स्पीकर है नीचे, वो तो कोई स्टीरियो स्पीकर भी नहीं है, नहीं मिलेगा भाई आपको, वीवो का फ़ोन है ये। चल परफॉर्मेंस पे जाते हो तो सेम स्टोरी रिपीट होती है, स्नैपड्रैगन 680 जो इस टाइम पे मार्केट में कोई 35,000 रुपये की प्राइस रेंज वाले फ़ोन्स में मिल रहा है, और इसमें है 60,000 रुपये की रेंज में,
यूज़र लेता है, कुछ टाइम के बाद जब वो अपनी ऐप्स लोड करता है बीच में मेमोरी फिलअप होती जाती है, बाद में कहता है यार ये तो हैंग हो रहा है फ़ोन, ये चल ही नहीं रहा। 8 GB रैम के साथ 128 GB स्टोरेज का कम्बिनेशन है इस फ़ोन में। अब स्नैपड्रैगन 680 है, वो कितना का भगाएगा इस फ़ोन को 8 GB रैम के साथ, जो 8 GB आप वो जो लॉलीपॉप वाली रैम है उसका भी ऑप्शन है। अब आप मोस्टली जब दुकान पर जाओगे, दुकानदार एक तो डिज़ाइन का एडवांटेज लेगा, दूसरा आपको बताएगा इसमें 16 GB रैम है, इस तरह कह के बेचते हैं। हालांकि जो वो वर्चुअल रैम है, मैंने उसको एक्सप्लेन भी किया हुआ एक वीडियो में कि भाई उसका फ़ायदा कोई नहीं है, वो एक लॉलीपॉप से ज़्यादा कोई चीज़ नहीं है। 8 GB रैम ही मान के चला करो, दुकानदार को कहा करो बस कर दे 8 ही है ये रैम है, अभी ड्रामे ना कर रहे थे। तो ये यहाँ पे जो सारी चीज़ें ना परफॉर्मेंस में कोई इंप्रूवमेंट है, वही मतलब स्नैपड्रैगन 680 एक बदनामी जमाना किस्म का प्रोसेसर है यार, कसम से इतना देखा है फोन्स के अंदर जितने, क्या मैं आपको बताऊँ इसका। हाँ एक चीज़ है अच्छी डिज़ाइन के अलावा जहाँ पे अप्रिशिएट मैं कर सकता हूँ, वो इसकी बड़ी बैटरी के साथ 44 वाट की फास्ट चार्जिंग है, तो ये एक अच्छा स्टेप है। लेकिन उसके बाद अगर कैमराज पे आओ, बैक साइड पे ये जो मोटा सा मॉड्यूल लगाया दिखने में जितना अच्छा लगता है ना, उसी हिसाब से इसकी परफॉर्मेंस नहीं है। वीवो के जो वाई सीरीज के फ़ोन होते हैं ना, वीवो देखो एक अच्छा कैमरा फोन कैमरा ब्रांड है, कैमरा ब्रांड कह रहा हूँ, कैमरा फोन्स बनाता है वीवो। हमने V21E V सीरीज के बहुत अच्छे कैमराज देखे हुए हैं, वाई सीरीज में इतना कैमराज पे फोकस नहीं करता वीवो। इसके कुछ कैमरा सैंपल्स आपके सामने चल रहे हैं स्क्रीन पे, आप देख सकते हो। हाँ मैं इसके कैमरा को घटिया नहीं कहूँगा, काइंड ऑफ डिसेंट कैमराज हैं, लेकिन इस प्राइस रेंज के हिसाब से और बेटर कैमराज मिलने चाहिए थे। और बैक साइड पे जस्ट एक फोकल लेंथ है, आपको कोई अल्ट्रा वाइड या कोई वो टेलीफोटो टाइप सेंसर्स वगैरह नहीं मिल रहे, जस्ट एक 50 MP का सेंसर देके साइड पे। वीडियोग्राफी की कैपेबिलिटीज भी जस्ट 1080p 30 FPS के ऊपर हैं बैक साइड के ऊपर, कोई 60 FPS नहीं है 1080p, कोई 4K नहीं है, कोई इस तरह के फीचर्स नहीं है। फ्रंट पे 16 MP की सेल्फी है, ये उसके भी मैं आपको कुछ सैंपल्स दिखा देता हूँ। इसकी जो सेल्फी डिटेल्स हैं वो मुझे अच्छी लगी हैं, लाइक कैमरा में डिटेल्स अच्छी कैप्चर कर लेता है सेल्फी कंपैरेटिवली इसके बैक कैमरा से। जो फ्रंट सेल्फी की डिटेल्स हैं वो मुझे अच्छी लगी हैं। कैमराज इसके कोई ओवर हाइप्ड इस तरह के नहीं है, कोई आपको सरप्राइजेज यहाँ पे इसके कैमराज में नहीं मिलने वाले। अब मैं मजीद क्या कहूँ इस फोन के बारे में यार, ऑलमोस्ट हर चीज़ ही कंप्रोमाइज है, डिज़ाइन और इसकी बैटरी डिपार्टमेंट या चार्जिंग डिपार्टमेंट के अलावा कुछ भी नहीं है फ़ोन के अंदर प्राइस को जो जस्टिफाई कर सके। देखो करंट सिचुएशन में मैं खुद एडवांटेज देता हूँ कि चलो अगर ब्रांड ने प्राइस थोड़ी ज़्यादा भी रख दिया कोई मसला नहीं है, हालात अभी थोड़े से ऊपर नीचे चल रहे हैं, आगे चल के बेहतर हो जाएंगे, बट एटलीस्ट कोई फीचर भी तो होना चाहिए ना जिसके बारे में हम कह सकें यार अगर प्राइस ज़्यादा दिया तो ये देखो ये फीचर तो दिया ना। डिज़ाइन 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 कब तक करें हम ये चीज़ें। अगर आपने 60,000 रुपया लगाना है तो उसके मुकाबले में रियलमी GT मास्टर एडिशन थोड़े से और पैसे ऊपर लगा लो, वो मिल जाएगा आपको। एमोलेड 120Hz है, अगर नहीं मिलता यूज्ड में आपको मिल जाएगा 5560 के अंदर मिल जाता है। रियलमी का 9 Pro Plus मिल जाता है, सैमसंग का i52s मिल जाता है, इवन रेडमी का जो नोट 11 प्रो है वो भी मुझे अब कुछ काइंड ऑफ अच्छा फ़ोन लगने लग पड़ा, नहीं तो प्राइसेस उसकी भी ज़्यादा ही थी। लेकिन मैंने कहा था कि हाँ प्राइस ज़्यादा लेकिन उसमें फीचर्स अच्छे हैं। वीवो का ही जो V23e है अगर लिमिटेड स्टॉक में कहीं पे मिलता है कोई 50-55 हज़ार रुपये तक, वो देख लो यार आप, उसकी भी प्राइसेस 65 चली गई हैं, यूज्ड में ले लो वो फ़ोन। वीवो के भी बड़े फ़ोन रिकमेंड किए हैं वी सीरीज़ के अंदर, अच्छे फ़ोन्स वीवो बनाता रहा, बट वाई सीरीज़ के अंदर ना वीवो का जो फोकस है ना वो ओनली पैसा बनाने के ऊपर है मुझे लगता है, वो भी डिज़ाइन के बेस के ऊपर, यूज़र की जेब में से किस तरह पैसा निकलना है। तो आई होप कि वीवो इस वीडियो को एज ए फीडबैक ही लेगा, दिल पे नहीं लगाएगा, दिमाग से सोचेगा और अपने फैंस को अच्छे फीचर्स वाले फ़ोन भी प्रोवाइड करेगा। तो ये थी कहानी वीवो के Y35 की। आई थिंक आपको ये फ़ोन स्किप कर देना चाहिए, ये एक अच्छा फ़ोन नहीं है, आपको एक अच्छी वैल्यू नहीं दे सकता। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन दबा लेना। ये वीडियो यहीं तक थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।